वेलकम टू हिंदी फैक्ट्स चैनल। अज आप गल करांगे 1971 भारत पाकिस्तान जंग दी, जदों कलमा ना पढ़ सकन करके भारतीय पायलट नूं कैदी बना लेता गया। 5 दिसंबर 1971 नूं सवेर दे लगभग 9:20 दा समां सी। फ्लाइट लैफ्टिनेंट जवाहर लाल भारवग दा मारूत जहाज ने पाकिस्तान दे नया शोर खेतर च बमबारी करन लई हेठां नूं होया। उस वेले उन्हां दे जहाज एक एंटी एयरक्राफ्ट तोप दा गोला आगे वज्या। काकपिट च लाल बत्तियां चमकन लग पईआं, जहाज दा खब्बा इंजन फेल हो गया। उन्होंने इस स्थिति दी नजाकत नूं भांप दिया, हमला करन दी बजाय वापस भारत परतन दा यतन किया। उन्होंने हेठां सिंध दा अथाह मारूथल सी। जिवें ही उन्होंने जमीन नेड़े आउंदी वेखी ता नौजवान पायलट ने रब दा नां लैंदिया अपनी पूरी ताकत लगा के इंजैक्शन बटन दबा दिता। इस दे नाल ही भार्गव दे जहाज दी उपर दी छत खुली अते एक सैकेंड तो भी घट समय च वह हवा च सी। कुछ समय बाद भार्गव ने अपने आप नूं मारूथल दी रेत ते पाया। उन्हां दे जमीन नूं छूण तो पहला ही नेड़े ही उन्हां दा जहाज हादसा ग्रस्त हो गया। इस गल दा अंदाजा लगाउंदिआं कि उन्हां दे जहाज च रखे हथियार हुण किसे वी समय फट सकदे ने, उन्होंने जल्दी नाल अपना पैराशूट रेत च दब दिता अते तेजी नाल उस थां तों दौड़न दी कोशिश कीती। उस थां नूं छड्डण तों पहलां उन्होंने अपनी पायलट सर्वाइकल किट चुक लई, जिस विच एक स्लीपिंग बैग, स्टोव, चाकलेट, चाकू, कंपास अते 100 मिलीमीटर दीआं पानी दीआं 4 बोतलां सन। पर भार्गव नूं उस किट विच ओह नक्शा ना मिलिया जिस दी उन्हां नूं उस समय सख्त जरूरत सी। फिर उन्होंने फैसला लिया कि वह अपनी कंपास की मदद नाल पूरब वल वधणगे अते सरहद पार करके भारत पहुंचने का यतन करनगे। उन्होंने तुरंत अपनी घड़ी का समा पाकिस्तानी समय मुताबिक सैट किया अते अपने मन विच सोचा कि जेकर वह फड़े गए तो वह कहणगे कि वह पाकिस्तानी हवाई जहाज के अधिकारी हैं अते उन्हां दा नाम मंसूर अली खान है। जवाहर लाल भार्गव मौजूदा समय पंचकूला रह रहे सन। उन्हां नूं पुछया गया कि मंसूर अली खान रखण पिछे कोई खास कारण सी, तां उन्हां दा जवाब सी मेरे पिता जी पटौदी दे नवाब कोल कम करदे सन अते मैं उन्हां दे पुत्तर मंसूर अली खान पटौदी, जो कि बाद विच भारतीय क्रिकेट टीम दे कप्तान भी बने सन, उन्हां नाल क्रिकेट खेड्या करदा सी। असी दोवां ने ही रणजी ट्राफी च आपो अपने सूबिआं दी नुमाइंदगी कीती सी। पटौदी दिल्ली लई ते मैं पंजाब लई खेड़दा सी। मंसूर नाम रखण दा विचार मैनूं पटौदी तों ही आया। भार्गव कोल 300 पाकिस्तानी रुपए भी सन, जो कि उस समय पाकिस्तान ते हमला करन वाले पायलट नूं दित्ते जांदे सन। भार्गव ने जदों चलना शुरू किया तो दूर दूर तक एक भी बंदा जां बंदे दी जात भी नज़र नहीं सी आ रही। अजे वह 3 किलोमीटर ही चले होणगे कि तेज़ गर्मी दे करके उन्हां दा गला सुकन लग पिया। जो पानी उन्हां दे कोल सी ओह भी खत्म हो चुका सी। हुण उन्हां दे कोल एक बूंद भी पानी दी मौजूद नहीं सी। वह एक सुनसान झौंपड़ी दे सामने खड़े हो गए जिथे धोती अते कुर्ता धारी एक दाढ़ी वाला आदमी खड़ा सी। भार्गव याद करदिआं दसदे हन कि मैं झुक के उन्हां नूं अदाब अर्ज कीती पर उसने उसका जवाब वालेकम असलाम नाल दिता। मैं बहुत ही विश्वास नाल उसनूं कहा कि मैं पाकिस्तानी हवाई फौज का फ्लाइट लैफ्टिनेंट मंसूर अली खान हाँ, मेरा जहाज क्रैश हो गया ते मैनूं पीण वाला पानी चाहिए। उस बुढ़े आदमी ने रुखे पन्ना जवाब दिता, पानी तो है नहीं। मेरी नज़र नेड़े बने सीमेंट के हौज ते पई जिस पानी भरिया होया सी। उस आदमी ने कहा कि यह ऊठां दे पीण वाला पानी है, जेकर तुसी चाहो तो इसनूं पी सकते हो। तुहानूं विश्वास नहीं होगा कि मैं ना सिर्फ काला गंदा पानी पीता बल्कि 4 बोतलों च पानी भरिया भी। मैं उस आदमी नूं इस हदायत नाल 20 रुपए दिते कि वह मेरे बारे किसी नूं भी कुछ ना दसे। जदों भार्गव ने उस पिंड वाले तो पुछया कि यह केड़ा पिंड है तो उसने जवाब दिता कि यह पिराणी का पार है। यह सुन के भार्गव के पैरों हेठों जमीन निकल गई, क्योंकि वह समझ रहे सन कि यह पिटाला पिंड है। इसका मतलब यह सी कि वह भारत वाल नहीं सगो पाकिस्तान वाल अगे वध रहे ने। उन्होंने अपनी दिशा बदली अते मुड़ तो चलना शुरू कर दिता। कुछ देर बाद वह आराम करने लई एक टोए वर्गी जगह ते लेट गए। उन्होंने फैसला किया
कि वह हुण हनेरा होण तो बाद ही अगे वधणगे। उन्होंने अजे अपनी अखां बंद ही कीतियां सन कि उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कुछ लोग वेख रहे ने। जदों उन्होंने अखां खोलियां तां वेख्या कि तीन आदमी अते एक मुंडा उन्होंने घूर रहा सी। उन्होंने भार्गव तो पुछा कि तुसी कौन हो। भार्गव ने उही अपना रटिया रटाया जवाब सुनाया कि मैं लैफ्टिनेंट मंसूर अली खान हाँ, पटाला नज़दीक भारतीय फौज ने मेरा जहाज सुट दिता है। उन्होंने लोगों ने कहा कि तुसी साढ़े नाल पिंड चलो। भार्गव ने कहा कि मेरा हैलीकॉप्टर आने ही वाला है, वह मैनू कराची लै जाएगा, तुसी जाओ। पर पिंड वासी ना मने। उन्होंने कहा कि तुसी तो भारत वालों जा रहे सी, तुसी साढ़े नाल पिंड चलो। भार्गव ने पूछा कि असी सरहद तो किन्नी दूर हाँ, तो उन्होंने कहा तकरीबन 15 किलोमीटर। भार्गव नू ना चाहुंदिया होया भी उन्होंने नाल जाना पिया। पिंड च भार्गव नू एक वाण दे मंजे ते लटाया गया अते उदों तक पिंड दे स्कूल दा हैडमास्टर भी उत्थे पहुँच गया। उसने उन्हां तों सवाल पुछने शुरू कर दिते, तुसी पाकिस्तान दे किस इलाके तों हो। भार्गव याद करदिआं दसदे ने कि मैं बहुत ही भरोसे नाल कहा कि मैं रावल पिंडी तों हाँ। उसने फिर पुछया, रावल पिंडी च कित्थे रहिंदे हो। मैनू रावल पिंडी बारे कुछ भी नहीं सी पता, फिर भी मैं कहा माल रोड। इतफाक नाल रावल पिंडी विच माल रोड भी सी। मैं उन्हां तों पुछया कि इत्थे कोई पुलिस थाणा है। यह सुन के मेरी जान जान आई कि दूर दूर तक उत्थे कोई पुलिस थाणा नहीं सी। उन्होंने यह जरूर कहा कि उन्होंने मेरे बारे च रेंजरां नूं सूचित कर दिता है। मैं पुछया कि उन्हां नूं इत्थे आउण च किन्ना क समां लगेगा। उन्होंने जदों कहा कि उन्होंने आउण नूं 3-4 घंटे लगणगे, तो मैं सुख का साह लिया। उन्होंने मेरे लिए चाह बनाई, पर उदों तक मेरी पिठ विच दर्द होण लग पई सी। अचानक ही पाकिस्तानी रेंजर पिंड पहुँच गए। उदों तक शाम के 7:40 हो चुके सन। भार्गव उस समय योजना बना रहे सन कि किवें उत्थों भज्जिया जाए। उन्होंने अपने कोल एक चाकू और पानी दीयां 4 बोतलां रख के बाकी सारा समान पिंड के बच्चों नूं वंड दिता सी। फिर 4 पाकिस्तानी रेंजर उस झोंपड़ी च पहुँचे। उन्होंने लीडर सन नायक आवाज़ अली। एक बार फिर भागवत ने अपनी पुरानी कहानी दोहराई। भार्गव ने कहा कि मैं बाथरूम जाना है। आवाज़ अली ने उन्होंने नाल 2 हथियारबंद रेंजर भेज दिते। 1 मिनट लई उन्होंने सोचा कि वह भज जाण, पर उस दिन पूर्णमाशी की रात सी, चाननी चारे पासे फैली हुई सी। उन्होंने दोवें रेंजरां दे कोल आटोमैटिक राइफलां सन। उन्होंने कोई शक नहीं सी कि जेकर वह भजन की कोशिश करनगे तो वह गोली चला देंगे। भार्गव झिझकते हुए वापस झोंपड़ी विच ही परत आए। भार्गव याद करते दसदे ने कि जदों मैं वापस आया तो वेख्या कि आवाज़ अली उन्हां सारियां चीज़ां का मुआयना कर रहे सन जो कि मैं बच्चों नूं वंडियां सन। फिर उसनूं एक चाकू ते मेड इन इंडिया लिखा दिखाई दिता। उसने मेरी घड़ी वेखी, उस उत्ते पाकिस्तानी समा नज़र आ रहा सी। उसने मैनूं साफ साफ कहा कि थोड़े ते शक है कि तुसी हिंदुस्तानी हो। हुण परेशान होण दी वारी मेरी सी। फिर भी बहुत भरोसे नाल मैं कहा कि तुसी अपने अफसर नूं बुलाओ। उसने कहा कि मैं ही अफसर हाँ। फिर मैं भी सख्ती अते पूरे रोब नाल कहा कि तुसी अफसर नहीं नायक हो। आवाज़ अली ने मेरा आखिरी इम्तिहान लैंदिआं मैनूं पुछया, ठीक है, जेकर तुसी मुसलमान हो तां सानूं कलमा पढ़ के सुनाओ। मैं तां कदे सुनिया ही नहीं सी कलमा की हुंदा। मैं तां सिर्फ कलम बारे जाणदा सी। मैं उसनूं मूर्ख बनाउण लई आखिरी यतन किया। आवाज़ अली, बहुत दिन हो गए मैनूं कलमा पढ़िया ते मैनूं याद नहीं आ रहा अते मेरी पिठ च बहुत दर्द हो रहा है। आवाज़ अली ने कहा कि ठीक है, मैं कलमा पढ़दा अते तुसी उस दे पिछे दोहराओ। मैं कलमा पढ़न तों इनकार कर दिता। मैं सोचा कि जेकर मैं गलत पढ़ दिती तो सारे पिंड वाले मैनूं कुट्टणगे। हुण आवाज़ अली नूं पूरी तरह शक हो गया सी कि भार्गव उन्हां नूं मूर्ख बना रहा है। उसने अपनी राइफल का बट जमीन ते मारदिआं कहा, सीधी तरह दस दिओ कि तुसी कौन हो, नहीं तो साढ़े कोल होर भी तरीके ने सच बुलाउण दे। भार्गव समझ गए कि उन्हां दी खेड खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय हवाई फौज का फ्लाइट लैफ्टिनेंट जवाहर लाल भार्गव हाँ, तुसी जो मर्जी मेरे नाल कर सकते हो। पर उदों तक पिंड वासियां दी हमदर्दी भार्गव नाल सी। भार्गव दसदे ने कि उन्होंने रेंजरां नूं कहा कि वह भार्गव नूं रोटी खाते बिना नहीं जान देणगे। उन्होंने मैनूं पुछया कि तुसी वड्डे दा मांस खाने हो जां छोटे दा। मैनूं तां इह वी नहीं सी पता कि वड्डा अते छोटा हुंदा की है। जदों उन्होंने समझाया तां मैं कहा कि मैं वड्डे दा मांस नहीं खांदा।
फिर उन्होंने विशेष तौर पर मेरे लिए चिकन करी और चावल बनाए। जिस समय खाना तैयार हो रहा सी, उस समय मैं इन्नी परेशानी के बावजूद उत्थे ही मंजे ते सौ गया। रात के 11 बजे किसी ने मैनु जगा के कहा कि खाना तैयार है। भार्गव नू अखां ते पट्टियां बन के ऊठां ते बिठाया गया। रोटी खाण तो बाद रेंजरां ने भार्गव नू ऊठ ते बिठाया। उन्हां दी अखां ते पट्टी बन्नी हुई सी अते दोवें हत्थां ते हथकड़ी लगी हुई सी। ओह अपनी किस्मत नू कोस रहे सन कि भारतीय सरहद तो महज 15 किलोमीटर पहला ही वह पाकिस्तानी रेंजरां दे हथ लग गए। 3 ऊठां दा काफला रवाना होया। विचले ऊठ ते भार्गव बैठे सन। उस ऊठ नू रेंजर मोहम्मद अली चला रहे सन। अगले दिन दोपहर के 12 बजे उन्होंने अपने उपर जहाजां दी आवाज सुनी। भार्गव ने पूरे काफले नू चेतावनी दिती कि ऊठां नू थले बिठा लैन, नहीं तो भारतीय जहाज उन्होंने अपना निशाना बना लैणगे। रेंजरां ने उन्हां दा कहना मन लिया, पर उसे समय रेंजरां दा एक होर दल उत्थे पहुंच गया। उन्हां विच्चों एक ने भार्गव नू पुछया कि वह फौजी वर्दी विच क्यों नहीं सन। उसने जवाब दिता कि उसका जी सूट भारा सी, इसे लिए उसने उसनू उतार के जमीन विच दब दिता है। जवाहर लाल भार्गव दसदे ने कि रेंजर नू मेरे उत्ते शक सी कि मैं जासूस हाँ। उसने आवाज अली नू पंजाबी विच कहा, गोली मार दल्ले नू। मैं घबरा गया सी अते कहा कि जेकर वह मैनू गोली मारना चाहते ने तो मेरी अखां तो पट्टी हटा दिओ। आवाज अली ने मैनू भरोसा दिता कि उसका अजिहा करन दा कोई इरादा नहीं है। 5 दिन लगातार चलण तो बाद फ्लाइट लैफ्टिनेंट भार्गव नू कराची स्थित पाकिस्तानी हवाई सेना के बेस कैंप च लिया गया। रास्ते विच उन्हां दी मुलाकात पाकिस्तानी फौज के कैप्टन मुर्तजा नाल होई। उन्होंने उस दी अखां दी पट्टी अते हथकड़ी खुलवा ली। उन्होंने उसनू पीण लई एक सिगरट अते शेव करन लई उसकी अपनी शेविंग किट दिती। उसने उन्होंने एक बार भी महसूस नहीं होण दिता कि वह उन्होंने दुश्मन हैं अते भार्गव उन्हां दा कैदी है। अंत च 12 दिसंबर नू भार्गव नू एयरलिफ्ट करके रावल पिंडी च जंगी कैंप च लिया गया, जिथे कि पहला तो ही जंगी कैदी बनाए गए 12 भारतीय पायलट मौजूद सन। क्रिसमस वाले दिन कैंप के कमांडर ने उन्हां सारयां लई केक मंगवाया, जिसनू के सब तो सीनियर भारतीय अधिकारी विंग कमांडर ने कट्टिया। उदों तक उन्हां नू खबर मिल चुकी सी कि पाकिस्तानी सेना ने ढाका विखे भारतीय सैनिकां अगे गोडे टेक दिते ने। भार्गव अते उन्हां दे साथी 1 साल तक पाकिस्तान की जेल च रहे। 3 नवंबर 1972 नू जेल च रह रहे सारे भारतीय जंगी कैदियों नू कहा गया कि उन्हां नू दित्ती गई पाकिस्तानी फौज की खाकी वर्दी पाउण। 1 दिसंबर नू उन्हां नू बसां च सवार करके बागा सरहद ते लिआंदा गया। दूजे पासे भारत दे इलाके च पाकिस्तानी जंगी कैदियों नू लिआंदा गया। दोवें देशां दे जंगी कैदी आपो अपने मुल्क परत रहे सन। भारतीय जंगी कैदियों नू बागा सरहद तो 100 मीटर पहला एक टेंट च रख्या गया सी। सब तो पहला सैनिकां ने सरहद पार कीती ते उस तो बाद फौज दे अफसरां दा नंबर आया। सब तो अखीर च भारतीय पायलटां दी वारी सी। फिर रंग विच भंग पिया अते एक पाकिस्तानी अफसर ने आके ऐलान किया कि भारतीय पायलटां दा जाना रोक दिता गया है। भार्गव नू अज भी वह दिन याद है। उत्थे बैंड वज रहे सन, लोग नच रहे सन। उस समय सानू दस्या गया कि तुसी वापस वतन नहीं परतोंगे। अपने वतन तो बिल्कुल नेड़े सी असी, साडा दिल टुट गया। उसने कहा कि इस मामले च सीधे तौर पर राष्ट्रपति भूटो नाल गल की जा रही है। होया ए सी कि भारत ने पछमी खेत्र च हिरासत च ले पाकिस्तानी जंगी कैदियों नू तां वापस कर दिता सी, पर पाकिस्तानी पायलटां नू रिहा ना किता। पर भूटो ने भारतीय पायलटां नू भारत भेजण दा फैसला लिया। अगले ही दिन भारतीय सेना मुखी सैम माणके खुद अपने जहाज पाकिस्तानी पायलटां नू लैके पाकिस्तान पहुंचे। भारतीय पायलटां ने 11 बजे वाघा बार्डर पार किया। उत्थे पंजाब के तत्काली मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने उन्होंने गलबकड़ी पा के उन्हों का स्वागत किया। भारतीय फौज की काले रंग की अंबैसडर कार उन्होंने भारतीय हवाई फौज के अमृतसर बेस कैंप च लै गई। तो दोस्तों ये 1971 की जंग विच पाकिस्तान च फसे भारतीय पायलट की कहानी। जेकर कहानी वधिया लगी होवे तां कृपा करके अपने कमेंटा राही जरूर दसना, ताकि अजिहियां ही होर दिलचस्प कहानियां लैके थोड़े रूबरू होंदे रहिए।
तां मिलदे हां फिर किसी कहानी दे नाल। तद तक लई धन्नवाद।